डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आपका सेकेंड पार्ट ऑफ फाइलम निडेरिया। बच्चों, हमने इससे पहले के वीडियो में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की फाइलम निडेरिया के। अगर आप डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हैं तो पहले प्लीज़ आप पार्ट वन में जाएं ताकि निडेरिया का जो उसमें बेसिक कवर किया हो वो आप देख सकें, और फिर आप इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर जितने निडेरियंस हैं उनके अंदर गैस एक्सचेंज क्या है, उनके अंदर क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो गैसेज जो एक्सचेंज, जैसे हमारे अंदर वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास लंग्स हैं, हमारे पास नॉस्ट्रल्स हैं, एक पूरा हमारे पास सिस्टम है। लेकिन चूंकि हमने पोरीफेरा से स्टार्ट किया है जहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता था वो जनरल बॉडी सरफेस से होता था, तो इससे थोड़ा सा एडवांस है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि इसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है, लाइक ये ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो इसके लिए कुछ अलग से डेवलप ऑर्गन नहीं है। जो बॉडी सरफेस है उसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जैसे वाटर है तो वाटर में ऑब्वियस आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो अंदर कंसनट्रेशन रहेगा, बॉडी के अंदर CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो CO2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, जो आपको पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉडी सरफेस है इसी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें अलग से कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हमारे पास ये जो निडेरिया के मेंबर्स हैं उनके पास नहीं आया। एक्सक्रीशन की हम बात करें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये किसके थ्रू होता है, तो एक्सक्रीशन अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन, जैसा आपको बताया था कि जो इंजेशन और इजेशन होता था, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता था वो आपको बताया था कि हाइपोस्टोम के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, इंजेशन भी माउथ के थ्रू होगा और इजेशन जो बचा कुचा खाना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो भी उसी के थ्रू बाहर चला जाएगा। लेकिन उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो ऐसे क्या इनके पास भी ऑब्वियस है, अगर मेटाबोलिज्म होगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेगा, तो वो कैसे बाहर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वो भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और इसके पास भी, जैसा हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके पास नहीं होते। इसके पास किडनी वगैरह ये सब तो सवाल ही नहीं है, नेफ्रॉन की जरूर सवाल ही नहीं है। तो ऑब्वियस है इनके पास भी बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से इसके जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे ये बाहर चले जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसका फिर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो होता क्या है, तो वो आपका होता है अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया बड़ा टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। तो इसको वही एनिमल एफोर्ड कर सकते हैं, अमोनिया के फॉर्म में वही एनिमल उसको बाहर करेंगे कि जो पूरे टाइम पानी में रहते हों, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत सारे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे अंदर अमोनिया जाए तो अमोनिया हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो चूँकि ये तो पानी में ही रहता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अमोनिया एज एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अमोनोटेनिक। अब ऐसा एनिमल जो यूरिया निकालते हैं उनको यूरियोटेनिक बोलते हैं, है ना, हम लोग सारे यूरियोटेलिक हैं। ऐसे आगे चल के देखेंगे अमीनोटेलिक भी आएगा, एकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अमीनोटेलिक, जिसमें वो अमीनो एसिड कुछ निकालते हैं बाहर एक्सक्रीटरी फॉर्म के। जितनी बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स को चूंकि वाटर की बड़ी कमी होती है, तो वो देखिएगा जब भी आप किसी बर्ड का देखेंगे फिकल मैटर, तो उसमें देखिएगा एकदम सेमी सॉलिड होता है, वो अलग से यूरिनेशन नहीं करते, तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है, याद रखना है बच्चों कि जो निडेरियंस हैं उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो होता है अमोनिया, इसीलिए हम उसे बोलते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बॉडी कैविटी का नाम था सिलेंट्रॉन, आपको बताया था, इसी को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। तो इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर डाइजेशन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी हो जाएगा। और जो बॉडी कैविटी है उसी को हाइड्रोस्केलेटन की तरह भी काम करता है। अभी स्केलेटन की हमने बात की थी, तो आपको बताया था कि कुछ ऐसे हैं निडेरियंस जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, तो वो तो अपनी सुरक्षा के लिए एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, लेकिन ऐसे जो नहीं करते हैं वो क्या करेंगे, उनको भी तो सेफ चाहिए, तो वो हाइड्रोस्केलेटन की तरह। हाइड्रोस्केलेटन मतलब बड़ा सिंपल है, वाटर, वाटर का प्रेशर की वजह से उनका सेफ जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम इसमें थोड़े बहुत पहली बार देखिए पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ नर्व सेल हैं
वो प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहली बार जो नर्व सेल आया वो प्रेजेंट है। सेंसरी सेल आपको बताया था, जब आप याद करिए जब हम बात कर रहे थे निडोसाइट की, तो निडोसाइट सेल के ऊपर एक सेंसरी सेल था, वो जैसे ही टच करेगा तो उसमें से जो निमेटोसिस्ट था वो क्या करता था, फायर करता था, किसकी, फाइबर के और टॉक्सिन का। अगर आप याद करेंगे पार्ट वन में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब वहाँ सेंसरी सेल है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक और एक सेल आती है, इसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को, ये आपको अभी मैं बताऊंगा कि ये जो आपके निडेरियंस हैं ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक है पॉलिप फॉर्म। पॉलिप फॉर्म क्या होगा, ऐसे निडेरियंस जो एक जगह पे फिक्स रहेंगे, ठीक है। और मेड्यूसा फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसमें एनिमल्स स्विम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे जो स्विम करते हैं उनको अपना बैलेंस बनाने के लिए एक अलग से एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। ऑलराइट, सो स्टैटोसिस्ट मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विमिंग फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसमें जो एनिमल है आपने जैसे एक एनिमल को बनाता है। सो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट एनिमल, मैक्सिमम जो निडीरियंस होंगे वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, उनको हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो उभयलिंगी बोलते हैं, जैसे मेल और फीमेल दोनों। जैसे एग्जांपल और मैं बताऊं आपको, बहुत ही वेल नोन एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे फेरेटिमा पोस्थुमा, आपने केचुए का नाम या अर्थवर्म का नाम सुना होगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, एक में ही होता है। तो ये भी जो निडेरियंस है ये भी मोस्टली क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है एनिमल। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली असेक्सुअल। जब भी जितने निडेरियंस हैं जो पॉलिप फॉर्म में होते हैं उनके अंदर बडिंग हो जाती है। पॉलिप फॉर्म कैसा बताया आपको, पॉलिप फॉर्म वो होते हैं कि जो एक जगह पे फिक्स होता है, जबकि जो स्विमिंग फॉर्म होता है मेड्यूसा फॉर्म, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं आपको अगर फोटो से दिखाऊं तो आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप ये से देखिए, ये आपका एग्जांपल है सी एनिमल का, या इसे एडैम्सिया बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये फिगर देख रहे हो आप, तो आप इसे देखेंगे, देखिए एकदम फिक्स है, एकदम सीधा चिपका रहेगा। यहाँ पर इसको देखो, ये हाइड्रा है, एकदम सीधा रहेगा। तो ये जो फॉर्म हो गया ये आपका हो गया, ये पॉलिप फॉर्म हो गया। और ये जो स्विमिंग वाला फॉर्म है ये देखिए कैसे है, ये स्विम करता है, तो ये मेड्यूसा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जितने सारे पॉलिप फॉर्म वाले हैं, जैसे ये एडैम्सिया आपको बताया, हाइड्रा बताया, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल। इसी के बगल में एक बड बन जाएगा और ये बड बाद में गिर जाएगा और ये अलग मूव करके कहीं पर जाकर बह करके एक नई कॉलोनी, एक नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। मेडूसा फॉर्म में देखिए, ये मेडूसा फॉर्म, और इसको देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर हम पॉलिप को, ये पॉलिप है आपका, ये आपका मेडूसा है, तो अगर आप इसे देखिए, ये देखिए माउथ है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये देखिए इसके पास भी माउथ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप माउथ है, यहाँ पर टेंटिकल देखिए, ये भी टेंटिकल है, यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस यहाँ पे है, यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ये दिखाई पड़ रही होगी, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, ये आपका एलो वाला मीजोग्लिया है, एपिडर्मिस है। तो सारी चीज़ें जो पॉलिप के पास है वही मेड्यूसा के पास है, बस इतना करना है आपको। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पॉलिप वाला फॉर्म है ना, इसको उल्टा कर दें अगर हम, तो ये मेड्यूसा फॉर्म बन जाता है ना, देख पा रहे हैं आप, इसको एक क्या काम करिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। तो इसको आप जैसे ग्लास है आपके पास, घर में कोई ग्लास रखा हुआ है, उसको पलट दो, तो जब आप इसको पलटोगे तो इसका ऐसा शेप बन जाएगा। तो पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अभी और आगे बताएंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो निडेरियन पॉलिप फॉर्म में होंगे उनमें बडिंग होगी, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जिनमें मेड्यूसा फॉर्म है वो क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। फर्टिलाइजेशन में कैसे होगा, फ्यूचर ऑफ गैमिट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब क्या होता है, कुछ निडेरियंस हैं जिनमें क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है और कुछ में इंटरनल होता है। बताता हूँ एक्सटर्नल का क्या होता है, इंटरनल का होता है। एक्सटर्नल का क्या मतलब हुआ कि जो मेल और फीमेल गैमिट है ये बॉडी के बाहर वाटर में क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए। और इंटरनल क्या हुआ कि फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म जाए, वहां पर एग और स्पर्म मिले, उसको बोला क्या हमने, इंटरनल।
डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि सीधा एनिमल नहीं बनेगा, पहले लार्वा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप याद करिए पोरीफेरा में भी मैंने बताया था वहाँ पर लार्वा बना था, ऐसे ही यहाँ पर भी लार्वा का फॉर्मेशन होगा। सो मेनली मेनी सिलेंट्रेट एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यहाँ पर दो तरीके के दो तीन चीज़ें मैं बच्चों आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिप फॉर्म में ही होते हैं, है ना। पॉलिप मतलब वो एक जगह पर बैठे रहेंगे, एक जगह पर फिक्स हो जाएंगे। अब उनके में उनमें बडिंग होगी तो बड क्या करेगा, दूसरी जगह पर वाटर करंट के साथ जाएगा और वहाँ पर एक नया एनिमल बना लेगा। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हमेशा मेड्यूसा के फॉर्म में ही पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या, वो छत तैरने वाला है ना, छतरी जैसा स्ट्रक्चर है, वो हमेशा उसी फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जब मैं प्लांट पढ़ा रहा था आपको, तो पढ़ा रहा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जो प्लांट्स थे वो दो फॉर्म में दिखाई पड़ते थे। आप याद करिए जब मेरे ट्रेनोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था, तो वहाँ पर अल्टरनेशन जनरेशन मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे ही यहाँ पर एक बड़ा यूनिक फीचर है कि एक ही एनिमल है लेकिन वो दो फॉर्म में पाया जाता है। तो कुछ ऐसे निडेरियंस हैं जो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, पॉलिप में भी और मेडूसा में भी। अब वो कौन कौन से हैं बताते हैं आपको। तो पॉलिप जैसा बताया, पॉलिप यार मैं बता चुका हूँ कि पॉलिप होते हैं डिप्लॉयड होंगे, ऑब्वियस है, जो पॉलिप फॉर्म होगा वो भी डिप्लॉयड होगा और मेडूसा होगा वो भी डिप्लॉयड होगा। लेकिन आप देखिए जब प्लांट में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर ये बताया था कि कुछ होते हैं जो एक डिप्लॉयड होगा दूसरा हैप्लॉयड होगा, राइट, ब्रायोफाइटा अगर आप याद करिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो दोनों फॉर्म है वो दोनों डिप्लॉयड होंगे, ऑलराइट। तो पॉलिप क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंडर जैसा होगा, और लीड सॉलिटरी मतलब कुछ कुछ होते हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ होते हैं जो कॉलोनी लाइफ भी जीते हैं, मतलब अकेला भी रह सकता है एनिमल और कॉलोनियल लाइफ, जैसे ओबेलिया आपको एग्जाम्पल दिखाया था, अभी और आगे बताऊंगा। बट इज ऑलवेज फिक्स्ड, क्या होगा, फिक्स होगा, सीडेंट्री या ससाइल, फिक्स रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, एंड रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, मतलब इसमें बडिंग होगी। जबकि अगर मेड्यूसा की बात करें तो ये भी डिप्लॉयड होंगे, अम्ब्रेला जैसे होंगे, और फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फेज ऑफ द एनिमल। मतलब क्या हुआ कि निडेरियन के कुछ एनिमल ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलिप में भी और मेड्यूसा में भी, जबकि कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास सिर्फ पॉलिप फॉर्म होता है, कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म होता है। सो पॉलिप गिव राइज मेड्यूसा बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, और जबकि मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि सिलेंट्रेटा या निडेरिया में कौन सा लार्वा बनता है, तो आप याद रखेंगे प्लैनुला लार्वा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिएगा, ये बता चुका हूँ मैं कि जो सिलेंड्रिकल होगा, सीधा स्ट्रेट होगा, तो वो पॉलिप फॉर्म बोलेंगे, जो अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होगा वो मेड्यूसा होगा। इसी का ये देखिए नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, कंपेयर अगर आप करना चाहें तो देखिएगा, बाहर वाली एक्टोडर्मिस हुआ, अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस या उसे एंडोडर्मिस भी बोलते हैं, है ना। बीच में आपका मीजोग्लिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बीच वाला मीजोग्लिया है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये भी ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो पॉलिप में और मेड्यूसा में अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो पॉलिप क्या होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, जैसे हाइड्रा हुआ, एडेम्सिया हुआ, एडेम्सिया मेरे ख्याल से आप पहचानते होंगे। एडेम्सिया का चलिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ एक बार, ये एडेम्सिया कौन सा है, ये आपको एडेम्सिया दिखाता हूँ मैं आपको, ये एडेम्सिया है, सी एनिमन बोलते थे, है ना। एनिमन का मतलब क्या होता है, एक फ्लावर होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है, तो ये भी फ्लावर है, ये बड़ा सुंदर सा है, देखिए टेंटिकल्स हैं, देख के फ्लावर जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो टेंटिकल है इसकी, ये इतने सुंदर लगते हैं, इसके पास जैसे ही कोई आएगा, एनिमल आएगा छोटा सा, ये इसको कैप्चर करके खा लेगा, ठीक है। तो एडेम्सिया होगा, और हाइड्रा तो आपने देखा ही, ये देखिए हाइड्रा, ठीक है। तो ये पॉलिप फॉर्म बता रहा था मैं आपको, ये सिलेंड्रिकल होगा, हाइड्रा एडेम्सिया, मतलब हाइड्रा और एडेम्सिया क्या होते हैं, हमेशा पॉलिप फॉर्म में होते हैं। मेड्यूसा को देखो, जैसे जेलीफिश, ऑरेलिया, वो मेड्यूसा फॉर्म है, मोस्टली ससाइल, मतलब क्या होंगे, एक जगह पर रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। लेकिन हाइड्रा इसका एक्सेप्शन है, हाइड्रा थोड़ा बड़ा मूवमेंट कर सकता है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करके चिपक करके सब्सट्रेट से, वो थोड़े अलग अलग, वो सिलेबस में आपके नीट के नहीं है इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मूवमेंट होती है। फ्री स्विमिंग मेड्यूसा क्या करेगा, फ्रीली, जेलीफिश है, मेड्यूसाइड फॉर्म में है, तो फ्रीली क्या करेगा, स्विम करेगा। मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल, जो पॉलिप आपको बताया था, ये अकेला भी रह सकता है एनिमल, और कॉलोनी में भी रह सकता है। कुछ एनिमल्स हैं जो अकेले रहते हैं, जैसे हाइड्रा को अभी कॉलोनी में कभी नहीं मिलेगा कि आपको हाइड्रा जो है वो कॉलोनी में रहे, वो अकेले रहेगा।
है ना। और जबकि ओबेलिया जो आपको बताया, ओबेलिया के जो पॉलिप फॉर्म है वो कॉलोनी में रहेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ऑलवेज सॉलिटरी, जबकि जो मेड्यूसा है वो अकेले अलग अलग रहेगा। माउथ एंड टेंटिकल डायरेक्टेड अपवर्ड, अब देखिएगा आपको जो इससे पहले फिगर आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं कि जो टेंटिकल्स वगैरह है पॉलीफॉर्म में ऊपर के साइड में है, लेकिन अगर आप मेड्यूसा वाला फॉर्म देखेंगे तो मेड्यूसा वाले देखो टेंटिकल्स कहाँ होते हैं, नीचे की साइड में, इसको पलट दिया है। माउथ एंड टेंटिकल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो पॉलिप में हमेशा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेड्यूसा में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आइदर आर बोथ जूइड में ऑकर इन स्पीसीज, जैसे आपको जूइड का मतलब क्या होता है कि जो कॉलोनियल फॉर्म में है, तो उसमें आपको बताया कि कुछ निडीरियंस में पॉलिप भी हो सकता है एक में, और क्या हो सकता है मेडूसा भी हो सकता है एक ही में, और कुछ कुछ निडीरियन है जिनके पास सिर्फ पॉलीफॉर्म होता है, कुछ जिनमें सिर्फ मेडूसा होता है, कुछ होते हैं जिनमें दोनों होता है। बार बार रिपीट कर रहा होता है कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सो इफ बोथ आर फाउंड इन स्पीसीज टू फॉर्म अल्टरनेट इन लाइफ साइकिल, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसी फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओबेलिया, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जूइड इन पॉलिप और मेड्यूसा सोर्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताया था, ये देखिए आपका ओबेलिया है, तो ओबेलिया में ये देख सकते हो ये आपका क्या हो गया, जैसे आपको इससे पहले मैंने पार्ट वन में भी बताया था कि ये जूइड्स है, एक ये जूइड है एक दूसरा जूइड है। अब देखिएगा ये दोनों, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, एक कॉलोनी है ना, पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है ओबेलिया का। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो इसे बोला गैस्ट्रोजूइड, ठीक है, ये अलग एनिमल है, तो ये काम क्या करेगा, ये कॉलोनी में है तो ये काम क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, ये फूड को कैप्चर करने का काम करेगा, जो न्यूट्रिशन आएगा वो सबको दे देगा, ये वाला काम है। ये क्या काम करेगा, ये गोनोजूइड है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करेगा। कौन सा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे क्या होगा, इसी में से फीमेल मेड्यूसा निकल जाएगा, फीमेल मेड्यूसा और मेल मेड्यूसा निकल जाएगा। तो मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा जो है ये असेक्सुअल फॉर्म के थ्रू बनता है, ये फ्री स्विमिंग होगा, और ये फीमेल से एग बन जाएगा, मेल से स्पर्म बन जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, बन जाएगा जायगोट, टू सेल होगा, फोर सेल होगा, ब्लास्टुला बनेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, प्लैनुला लार्वा बन जाएगा जो बताया था, और ये स्विम करता रहेगा और कहीं पर सेटल डाउन होकर पॉलिप वापस बना लेगा, और ये कॉलोनी बन जाएगी आपकी वापस। तो ये आपकी लाइफ साइकिल हो गई ओबेलिया की, जो कि कॉलोनियल फॉर्म है बच्चों। तो कौन से जो निडीरियन एनिमल्स हैं उनके, उनमें कौन सी फॉर्म पाई जाती है, क्या उनके पास सिर्फ पॉलिप रहता है पूरी लाइफ में, या वो सिर्फ मेड्यूसा के फॉर्म में पाए जाते हैं, या दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके बेसिस पर निडीरियंस को तीन पार्ट में बांट दिया गया है, तीन क्लास में बांट दिया गया। कौन कौन से, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में चलो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो हाइड्रोजोआ होंगे वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैरिन में भी पाए जाएंगे। अब फ्रेश वाटर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, है ना। अब हाइड्रा में मेड्यूसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉलिप होगा। तो पॉलिप एंड मेड्यूसा ऑफन शोज मेटाजेनेसिस, मतलब जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो इसके पास सिर्फ पॉलिप है, मेड्यूसा नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक ओबेलिया और फाइसेलिया, ये दोनों में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों पाया जाता है फॉर्म, और वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते रहते हैं, मेटाजेनेसिस करते रहते हैं, ठीक है। तो ओबेलिया होगा, इसको ओबेलिया को हम बोलते हैं सी फर, अभी आपको दिखाया मैंने, सी फर के नाम से बोलते हैं। और जो फाइसेलिया है इसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, क्या बोलेंगे इसको, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, क्योंकि इसे जब आप ऊपर से तैरता हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे जो सैनिक होते हैं वो जो टोपी पहने होते हैं, कैप पहने होते हैं, वैसा दिखता है। तो पुर्तगाली जो सैनिक होते थे वैसे टोपी पहनते थे, इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। आप चाहो तो इन तीनों को देख सकते हो, ये आपका हाइड्रा है, ये हमेशा सिर्फ पॉलिप फॉर्म में होगा, जबकि जो ओबेलिया है इसको सी फर बोलते हैं बच्चों, ये दोनों फॉर्म में होता है, जैसा आपको इसकी लाइफ साइकिल भी दिखा चुका हूँ मैं ओबेलिया की। जबकि फाइसेलिया है इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ये वाटर जगह जगह पे लिखा हुआ है, अब इसे मैं चेंज कर देता हूँ, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पुर्तगीज मैन ऑफ वार है। तो आप देखेंगे जब ये पानी में तैरेगा तो कहाँ से आपको ये वाला जो पार्ट है, बाकी टेंटिकल्स हैं तो दिखेंगे नहीं, ये सिर्फ ऊपर से देख सकते हो, तो ये सिर्फ आपको कैप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार। तो ये आपका पहला हो गया हाइड्रोजोआ, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ में क्या देखा हमने कि फ्रेश वाटर वाले भी आते हैं, मैरिन वाले भी आते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा में सिर्फ कौन सा फॉर्म होता है पूरी लाइफ में, सिर्फ पॉलिप फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्लास है आपका साइफोजोआ। साइफोजोआ के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मैरीन होते हैं, मतलब खारे पानी में ही पाए जाएंगे। अब इनमें क्या होगा, मेड्यूसा फॉर्म इज मोर कॉमन, मतलब मेड्यूसा, ये साइफोजोआ में मेड्यूसा ज़्यादा मिलेगा, पॉलिप ये बहुत, या तो पॉलिप नहीं होगा और या तो होगा तो बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल देखिए ऑरेलिया जिसको हम जेली फिश बोलते हैं, मून जेली और भी नाम है इसका, साइनिया इसको सन जेली बोलते हैं, ये चमकदार होता है इसीलिए सन जेली बोलते हैं, आप चाहे तो इनके फोटो भी देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका ऑरलिया है, इसे जेली फिश बोलते हैं, है ना, हालांकि ये रियल में फिश नहीं है तो जेली फिश बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसमें कौन सा ट्रू फिश नहीं है तो जेली फिश लिखा हुआ है तो आप करके आ जाओ। जेली फिश किसका मेंबर है, निडेरिया का मेंबर है, पहले सीलेंट्रेटा में था, जैसे आपको बताया कि पहला नाम सीलेंट्रेटा था, बाद में उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो फाइलम में, निडेरिया और टीनोफोरा। टीनोफोरा अभी इस लेक्चर के बाद हम कवर करेंगे। तो दूसरा है साइनिया, सन जेली, देखो सन जैसा चमक रहा है ना, तो ये सन जेली हो गया। चलिए ये बात देख ली हमने साइफोजोआ के बारे में, अब हम देखते हैं एंथोजोआ। एंथोजोआ बड़े इंपॉर्टेंट है, मैरीन है ना, ये भी खारे पानी में होगा, ओनली पॉलिप फॉर्म डोमिनेंट। इसमें भी क्या होगा बच्चों, सिर्फ पॉलिप फॉर्म में आएगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ साइफोजोआ है जिसके पास क्या, ये मीन्स हाइड्रोजोआ है जिसमें क्या होता है, पॉलिप फॉर्म होता है और मेड्यूसा दोनों होता है, अगर हाइड्रो को छोड़ दे तो। साइफोजोआ में भी क्या होता है, सिर्फ मेड्यूसा ज़्यादा होता है, जबकि जो एंथोजोआ है इसमें भी सेम है कि मेड्यूसा नहीं होगा, ओनली पॉलिप फॉर्म इज डोमिनेंट। बट इट, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होगा, जो एक दूसरे से वो मेटाजेनेसिस होता रहेगा, जबकि साइफोजोआ में देखें तो इसमें मेड्यूसा डोमिनेंट होगा, जबकि यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉलिप डोमिनेंट होगा, मतलब स्ट्रेट एक जगह पर खड़े रहेंगे वो, जैसा हाइड्रा में बताया था आपको या एडम्सिया में बताया था, है ना। तो इसमें दो जो आपके एंथोजोआ के मेंबर्स हैं ना, इसमें दो तरीके के एनिमल होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, पहला एग्जाम्पल देखिए सी एनिमल स्केलेटन अब्सेंट, मतलब क्या हुआ इनके ऊपर कोई एक्जो स्केलेटन नहीं होगा, ठीक है, जैसे एडम्सिया, मेट्रिडियम, मेट्रिडियम आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है, एडम्सिया देख लीजिए पहले, ये एडम्सिया है और ये आपको मेट्रिडियम है, देखो कैसा, ये कुकुरमुत्ता जैसा जिसको आपको दिखेगा, मशरूम जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन ये फ्लावर बड़े फ्लावर जैसे ब्यूटीफुल से दिखते हैं, मेट्रिडियम। एक हर्मिट क्रैब होता है उसके साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्मिट क्रैब आप आगे चल के बताऊंगा, ये उसके साथ कॉमन साइलेंस है, उसी के ऊपर चिपका रहता है। दूसरे जो एंथोजोआ के मेंबर्स हैं कोरल बोलते हैं, मतलब वो एक्जोस्केलेटन के फॉर्म में, मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल है वो अपने आसपास कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है, तो कोरल बनाता है उनका, उनका हार्ड होता है, जैसे पेनेटोला देखिए, पेनेटोला, पेनेटोला का एग्जांपल दिखाता हूँ, गॉर्गोनिया ट्यूबीपोरा, तो पेनेटोला देखिए, इसके एग्जांपल देखिए, ये पेनेटोला है, पेनेटोला देखिए यहाँ पर, अगर आप पुराने जमाने के पेन देखेंगे तो वो इस तरह से पेन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बड़ा खूबसूरत सा है, सुंदर सा पेनेटोला, इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेनेटोला को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, सी पेन। गॉर्गोनिया देखो पंखा, जो लोग आज के बहुत आपके आपके बहुत पुराने टाइम के लोगों को पूछो, जब बिजली वाले फैन गांव में नहीं होते थे तो होम रेडीमेड रेडी घर पे क्या होता, पंखा बनाते थे जिसको हाथ से करते थे गर्मी से बचाने के लिए, तो फैन की तरह दिखता है उसको। अब आप सोचोगे फैन कैसे दिख रहा है, तो आप बिजली वाले पंखे से कंपेयर मत करना बच्चों, ये गाँव में होता था जब बिजली नहीं होती थी तो हाथ से जलते थे, ठीक है, उसको गॉर्गोनिया सी फैन। नेक्स्ट देखिएगा और दिखाता हूँ आपको, तो एग्जांपल देख लिया आपने, पेनेटोला को सी पेन बोलते हैं, गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, ट्यूबीपोरा आर्गन पाइप कोरल, ये क्या होता है भाई, आर्गन पाइप कोरल, ये देखिए आर्गन पाइप कोरल, ये इसको देखिए, जैसे आपका आर्गन पाइप होता है ना, बजाते हैं ना आर्गन पाइप, वैसा दिखता है इसको, ट्यूबीपोरा आर्गन पाइप कोरल। और देखो कोरेलियम रेड कोरल, मिएंड्रिना आप मेनिंजाइटिस से याद रखना, ब्रेन कोरल, ये देखो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसको मिएंड्रिना बोलते हैं, ब्रेन कोरल। और ये चूंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट अपने आसपास सिक्रीट करते हैं, जैसे ये आपका कोरेलियम हो गया, रेड कोरल हुआ, तो आपको कल बताया था हमने, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये समुद्र में इतनी बड़ी आइलैंड जैसा बन गया है, धीरे 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 करके वहाँ पर बहुत सारी कॉलोनी आ गई, अलग अलग 5-6 तरीके की मेन स्पीसीज़ हैं, जैसे कोरेलियम है, मेंड्रिना है, ये इतना कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा करके इतनी कॉलोनी हो गई कि एकदम पूरा एक चट्टान बन गई। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया पे के पास पूरा ग्रेट बैरियर रीफ बोलता है,
अगर वो हटा दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया डूब जाएगा, क्योंकि ये वाटर को, इतनी बड़ी चट्टाने की वाटर को रोकती है ऑस्ट्रेलिया में घुसने के लिए। अगर इनको हटा दिया जाए तो बाढ़ आ जाएगी और वो पानी भर जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया पूरा डूब जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए, पूरा हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एल्काइव नियम, इनको डेड मैन फिंगर बोलता है, ये सॉफ्ट कोरल होता है, मूंगा, है ना। ये डेड मैन फिंगर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा याद रखिए। देखो उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, डेड मैन फिंगर, एल्काइनियम। एक एक एग्जाम्पल को आप एग्जाम में जाए, नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्जाम में जाए उससे पहले आप जरूर याद रखना। कोरेलियम, जैसे आपको बताया, रेड कोरल, म्यूंड्रिना, ब्रेन कोरल। तो मेनी फॉर्म पजेस ए हार्ड एक्सोस्केलेटन टू ऑफ लाइम टू फॉर्म कोरल, मतलब ये जो वाले जो हैं ये सारे मिलके क्या बना सकते हैं आपका, कोरल्स बोलते हैं इनको। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाता है। इनमें से मेन जो है वो कोरेलियम है, ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मियंड्रिना, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिलेंट्रेटा, ये निडेरिया। इसमें बहुत सारे आप देख सकते हो कॉमन नेम और ये जेनरिक नेम जो आपके हैं, इनको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो डेवलपमेंट जैसा आपको बताया था कि ये फर्टिलाइजेशन हो गया, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होती हैं, किसी में इसको प्लानिला बोलते हैं, किसी में हाइड्रोला बोलते हैं, साइफिस्टोमा, एफाइरा, ये सारे नाम हैं जो कि निडेरिया के लार्वा को हम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ निडेरिया आपको समझ में आया होगा। तो यूनिक फीचर इसके क्या क्या थे, जो स्पॉन्जेस आपने पढ़ा था पोरीफेरा, उसमें क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन पहली बार यहाँ पर क्या हुआ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। इनके पास स्पेशल डंक मारने वाली सेल थी, स्टिंगिंग सेल बच्चों, जिसको निडोसाइट या निडो ब्लास्ट बोलते थे। किसके लिए, डिफेंस एंड ऑफेंस, और खाना खाने खाने पकड़ने के लिए। तो डिफेंस हो गया, ऑफेंस, डिफेंस अपने बचाव के लिए, है ना, कोई इन पर अट्रैक्ट करता है तो वो डिफेंस करेंगी या ऑफेंस करेंगी। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ माउथ होगा, एनस नहीं होगा। और सबसे पहली बार आपने देखा कि नर्वस सिस्टम के में यहाँ पर पहली बार नर्व का नेटवर्क आया। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं बच्चों निडेरिया के। उम्मीद करता हूँ आपको निडेरिया समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मैं आपके नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आपकी नीट की तैयारी में आपकी मदद कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अपने सोशल मीडिया से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि डेली वीडियो में अपलोड करूँ जब भी आपको तुरंत मिले। कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, दिए हुए फ़ोन नंबर पे या मेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।